जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ विनाईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी एमपीजी के सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। चूँकि ये क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं ताकि आपकी जो 2023 की प्री है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, और किस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, क्या उसकी प्रवृत्ति रही है, इस आधार पर जो है हम ये सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापक्रम बढ़ता है ना। ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु चलती है, इस दौरान जो टेम्परेचर है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें दिया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। चूंकि जो मध्य प्रदेश है उसके आप जब संरचना देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो कर्क रेखा है वो मध्य से होकर गुजरती है ना। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जो सूर्य की दिशा होती है वो ऊपर की साइड होती है ना। तो टेम्परेचर जो गर्मी में होता है वो इन जगहों पर, मतलब जो कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र है वहां पर बढ़ता है। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से तो दक्षिण से उत्तर की ओर है ना, ये दक्षिणी पार्ट है, इससे उत्तर की ओर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब चूंकि हमको पता भी है कि जो हाइएस्ट टेम्परेचर है वो कहाँ पर किया गया है, खजुराहो में हाईएस्ट टेम्परेचर घोषित किया गया है या फिर नापा गया है या फिर विदिशा के गंजबासोदा में। तो चूंकि नीचे वाले स्तर जो है उनकी तुलना में ऊपर के क्षेत्र में जो है वो बढ़ता जाता है, इस कारण से इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा दक्षिण से उत्तर की ओर टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी होती है। ठीक है, देखिए अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी है वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा जो पूर्वी भाग है वहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है पश्चिमी भाग की तुलना में। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि वर्षा किस क्षेत्र से या किस ओर बढ़ती है, तो हम बताएंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हाँ, तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूर्णतः मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसून पर निर्भर करती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तापमान मार्च से जून के बीच में लगातार बढ़ता जाता है, जो कि दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, हालांकि अब देखें अपन कि जैसे ये मैप है मध्य प्रदेश का, तो टेम्परेचर जो है दो दिशाओं में बढ़ता है इस तरह से। तो अगर साउथ से देखा जाए, ये दक्षिण है, दक्षिणी पार्ट है, तो दक्षिण से अगर बढ़ रहा है तो बोल रहा है कि दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर है ना, और दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर है ना, दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर या दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। तो दोनों दिशाओं में जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर खजुराहो भी आता है, खजुराहो में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमने नापा हुआ है, यहाँ विदिशा का गंजबासोदा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा नोट किया गया है। तो ये दोनों जगह दी हुई है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में दिन में उच्चतम तापक्रम लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, से अधिक हो जाता है, और इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं। अब जैसे जो गर्म हवाएं होती हैं या टेम्परेचर जहाँ पर बढ़ता है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो जो हवाएं हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती हैं और कहीं ना कहीं वर्षा कराती हैं। इस कारण से जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है और वर्षा जो होती है दोनों मानसूनों से हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, तो सबसे पहले 2011 की जनगणना ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अभी लेटेस्ट 2021 की जो है हुई नहीं है कोविड की वजह से, और अब जो भी नहीं होगी उसके डाटा अपडेट होंगे, लेकिन हमें 2011 के तो लगभग सब डाटा याद होने चाहिए। अब उन्होंने पूछा है लिंगानुपात किस जिले का सबसे सर्वाधिक है, तो इसमें हमें पता है बालाघाट का कितना है, 1021 है ना, 1021 जो है इसका है। मंडला का कितना है, तो मंडला का है 1008। ठीक है, अब जो 4 हाईएस्ट है वो हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट तो बालाघाट हो गया, सेकंड क्या है अलीराजपुर, तीसरा है मंडला है ना। तो यहां पर है 1021, अलीराजपुर का 1011, मंडला का है 1008 है ना। इसी प्रकार जो हाईएस्ट है इसी तरह न्यूनतम भी अपने को याद होना चाहिए। तो न्यूनतम के लिए फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा भिंड, मुरैना और ग्वालियर है ना, लगभग 937, 940, 837, 840 और 863 या 864 के लगभग है ना, इस तरह से इनका लिंगानुपात है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले का लिंगानुपात 1000 से 1021, 1000
महिलाओं 1000 पुरुषों की तुलना में 1021 महिलाएं हैं, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है ना, जबकि भारत का कितना है, भारत का है 943, है ना। थोड़ा सा क्या हुआ, अपन कंपटीशन से याद करें कि भारत का इतना है, एमपी का इतना है, इस जिले का इतना है, हमारे जिले का कितना है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। प्रदेश के मात्र 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो बालाघाट है 1021, ठीक है, अगला अलीराजपुर 1011, तीसरा मंडला है 1008 और चौथा है डिंडोरी 1002। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जिनका ऊपर 1000 से ऊपर है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है ना। हाँ, तो ये जो विन आई एस है, इसके द्वारा एक बैच, नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। 25 सितंबर से इसकी क्लासेस होंगी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। इसके अलावा टॉपर्स के द्वारा मार्गदर्शन रहेगा। दिसंबर तक यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो भी फ्री रखी गई है, इसमें प्री की टेस्ट सीरीज भी है। और निधि मिश्रा मैम, अमित बढ़िया सर और मैं खुद भी रहूँगा, जो कि आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो जो भी हों आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्तमान वर्ष 2016-17 के लिए है। अब चूंकि होता यह है कि जो फसल क्षेत्र होता है, जैसे जनगणना 10 वर्ष पे होती है, उसी प्रकार पशु जनगणना, पशु गणना या फसल गणना जो होती है वो 5 वर्ष के अंतराल पर होती है ना, 5 वर्ष के अंतराल पर फसल भी और पशु भी। तो लास्ट जो हुई थी वो 15-16 में हुई थी, है ना, 15-16 के बाद अब 20 या 21 में होनी थी। तो वो ये पूछ रहा है कि जो फसल क्षेत्र था उसकी विकास दर 2016-17 में कितनी थी। तो जो विकास दर है ये इस क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड है मामला, क्योंकि जो विकास दर रही थी वो लगभग 31-32 के आसपास थी, लेकिन जो आयोग है उसने तो इसका उत्तर शायद सी माना हुआ है ना, इसका उत्तर डी माना हुआ है। लेकिन जो रिपोर्ट थी 2020-21 की, उस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र की विकास दर 2016-17 में 31.58% थी, ठीक है, मतलब 31.58% थी। लेकिन जो आयोग है उसने जो उत्तर माना हुआ है वो लगभग 34.14 माना हुआ है। अब इसमें वेरिएशन क्यों आता है कि कई बार जो होते हैं आंकड़े अलग अलग तरह के होते हैं, जिससे वो पूछ रहा है फसल क्षेत्र में विकास दर, इसका अर्थ ये होता है कि किसी विशेष फसल क्षेत्र में, है ना, या तो एरिया या क्षेत्रफल, दो चीजें हैं, एक तो एरिया है और दूसरा है प्रोडक्शन, है ना, कि भाई या तो एरिया बड़ा है उसका या प्रोडक्शन बड़ा है, तो उन दोनों के एवरेज के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब था वो एरिया के हिसाब से उन्होंने माना है, तो 34.14% का उन्होंने प्रोडक्शन के हिसाब से माना है, तो उन्होंने माना है 34.14% इसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है 2016-17। तो कई बार करंट का क्वेश्चन इतना पुराना भी आ जाता है, ठीक है। 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल का योगदान लगभग 23.38% के लगभग है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्पों में दिए गए तथ्यों से पूर्णतः मेल नहीं खाता है ना। अब कारण वो ये है कि कुछ आंकड़े जो होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। जैसे हमने कल भी एक पढ़ा था कि सागौन के वनों का प्रतिशत 17.8% है, लेकिन आयोग ने क्या किया था, 20% माना हुआ था, है ना। तो थोड़ा सा आंकड़ों में रहता है, तो कई बार जो सबसे करीबी आंकड़ा हो हमें वो ही लगाना होता है, ठीक है। अगला आता है, निम्न में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन ने सीधी हमारी समस्या का समाधान कर दिया, सिर्फ मध्य प्रदेश में, मतलब इसका, इस खनिज के मामले में मध्य प्रदेश के पास क्या है, एकाधिकार, एकाधिकार है। अब एकाधिकार दोनों जगह है, एक तो भारत में भी है, दूसरा विश्व में भी है, है ना। अब वो कौन सा खनिज है, तो वो खनिज है हीरा, है ना। डायमंड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में भी कहां पर होता है, पन्ना जिला जो है इसके लिए फेमस है। पन्ना में अगर खदानों के नाम हम बताएं तो खदानें कौन कौन सी हैं, हिनोता है, मझगवा है, मझगवा खदान है, ठीक है, और रामखेरिया नदी के आसपास की जो जगह है वहां पर लगभग ये मिलता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे एक और शब्द अपने को याद में आता है, बक्सवाहा, है ना, जो कि करंट मुद्दों में रहा था। बक्सवाहा के जंगल हैं जहाँ पर भी क्या मिला है, जो हीरे हैं उसके भंडार मिले हैं, लेकिन इस भंडार का उत्खनन करने के लिए 2 करोड़ वृक्षों को काटा जाएगा, तो जो प्रकृति संरक्षण है वो हमारा कहीं और रह जाएगा। अगर हम हीरो का उत्खनन करते हैं तो हमें इतने वृक्ष काटने होंगे, तो कहीं ना कहीं जो एनजीओस हैं या जो भारत के पर्यावरण संगठन हैं वो इसके विरोध में है और इसके खिलाफ एक वो भी चल रही है, मुहिम चल रही है ना। लेकिन जो हमारा हीरा है उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और उसके लिए पन्ना जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, खनिजों में हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, इस प्रकार हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में एकाधिकार प्राप्त है हमको, ठीक है। हीरा मुख्य रूप से पन्ना, सतना और छतरपुर जिले में पाया जाता है। पन्ना की हनोता और मझगवा खाने हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये जो है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खदानें हैं और यहीं से एकाधिकार प्राप्त हमको है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? जनजातीय संग्रहालय, ठीक है। अब जनजातीय संग्रहालय, ये एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ना, स्टेटिक क्वेश्चन है, तो इसका सीधा आंसर आएगा भोपाल में। चूंकि ये क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी छिंदवाड़ा में, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया, भोपाल में ट्रांसफर कर दिया है ना। इसकी स्थापना कुछ 1954-55 में इसकी स्थापना हुई थी जनजातीय संग्रहालय की, और लगभग 1965 में जो है इसको भोपाल में ट्रांसफर कर दिया है। वर्तमान में ये भोपाल में ही है। यहाँ पर भूरीबाई जो है वो हमारी काम करती हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो यहाँ पर जो आदिवासी वस्तुएँ हैं, आदिवासी कला है, संस्कृति है, और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका संग्रह क्या किया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है कि भाई जनजाति किस तरह से जीवन यापन करती है, उनका इतिहास किस तरह से रहा हुआ है, ठीक है। तो संग्रहालय से रिलेटेड अब जितने भी और संग्रहालय हैं, देवी अहिल्या माता का संग्रहालय पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो देवी अहिल्या माता का महेश्वर में है, ठीक है, महेश्वर में देवी अहिल्या माता का है। अगर हम पूछें कि रामायण संग्रहालय कहाँ पर है, तो रामायण संग्रहालय ओरछा में है, ठीक है। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में, बिल्कुल सही। देखिए अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप उसमें यह समझिए कि जिस भी क्वेश्चन की अपन चर्चा कर रहे हैं, हम 15 से 20 क्वेश्चन की जिनकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो जो आया हुआ है आपको लगभग जाके वो तैयार कर लेना चाहिए। जैसे हम संग्रहालय की बात कर रहे हैं, तो संग्रहालय का एक पेज का एक चैप्टर है जिसमें हर संग्रहालय के बारे में बताया हुआ है, आप वो चैप्टर याद कर लीजिए। तो हमारा कम से कम एक क्वेश्चन जो है अगर इससे रिलेटेड अगली बार आता है तो वो हमारा कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। देश का एकमात्र जनजातीय संग्रहालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। राजधानी के श्यामला हिल्स पर बना हुआ जनजातीय संग्रहालय है जिसका प्रतीक चिन्ह बिरछा रखा हुआ है, ठीक है। यह संग्रहालय प्रदेश में आदिवासियों के जनजीवन, उनकी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य बनाया गया था। इसकी स्थापना 1954 में, देखिए छिंदवाड़ा में की गई थी, लेकिन बाद में 1965 में इसे कहाँ पर, भोपाल में स्थानांतरित कर दिया है, और भोपाल में है और घूमने की बहुत अच्छी जगह है, आप जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, यहाँ पर मैं गया हूँ एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकांक्षा योजना संबंधित है, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आकांक्षा योजना, तो अब इसका अर्थ क्या है कि आज हमें जाके पूरी योजनाएं जो है मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजना है वो पढ़नी है। अब वो सब हो सकती है, गांव की बेटी हो सकती है, गांव की बेटी योजना 2005, इसका सन याद होना चाहिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों चलाई जा रही है ना। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना या जननी एक्सप्रेस, जननी सुरक्षा। अब वर्तमान में लाडली बहना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है लाडली बहना से ही क्वेश्चन आ जाए, करंट में भी है, चर्चा में भी है, तो कहीं ना कहीं जितनी भी योजनाएं हैं वो हमको याद होनी चाहिए, है ना। जनजातियों से संबंधित योजनाएं भी याद होनी चाहिए, पवन पुत्र योजना है या मधुबन योजना है, ठीक है। तो ये आकांक्षा योजना है, इसका अर्थ क्या, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने के लिए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को उद्यमिता बढ़ाने हेतु, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आकांक्षा, देखिए थोड़ा एक ना हम एक तुक्का लगाते हैं इसमें कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है कि बड़ा विजन होना चाहिए आपके पास, आकांक्षा बहुत आपकी बड़ी होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा का छोटा भाग है ना। अब चूंकि शिक्षा से व्यक्ति क्या करेगा, अगर शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना है कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब में या किसी बड़े सेक्टर में या किसी बिजनेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये जो योजना है ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजातियों की प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की कोचिंग के लिए तैयारी की करवाती है। अब ये चलती कहाँ पर है, तो ये योजना जो है डिंडोरी में चालू की गई है, जो कि जेई और जो इंजीनियरिंग से संबंधित परीक्षाएँ हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, उनकी तैयारी करवाता है। लगभग जेई और पीईटी टाइप की जो एग्जामें होती हैं है ना, उनकी तैयारी जो है इसमें कराई जाती है, डिंडोरी जिले संबंधित है। अब आकांक्षा योजना जैसे अनुसूचित जनजाति संबंधित है, इनकी और भी अपने को योजनाएं याद होनी चाहिए। जैसे एक है मधुबन योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, अगर किसी जनजातीय व्यक्ति को जो डेयरी उद्योग से संबंधित है या डेयरी उद्योग में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। एक पवन पुत्र योजना आती है, पवन पुत्र योजना, जिसमें अगर जो ड्राइवर व्यक्ति है, अगर अनुसूचित जाति जनजाति का ड्राइवर है, तो उसे जो वाहन लेने के लिए लोन सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की योजनाएं जो है हमें याद होनी चाहिए। तो आज हमारी सब योजनाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल और पिछड़े जिलों में डिंडोरी है ना, ये डिंडोरी में चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट आकांक्षा के नाम से है, शुरुआत की गई है। वास्तव में देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों मतलब IITs में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मतलब JEE है ना, JEE की तैयारी करवा रही है ये।
के लिए किया गया है, जिससे आदिवासी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आकांक्षा की कल्पना की गई है। ठीक है, अब चूंकि उनका शिक्षा स्तर कम होता है तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह की योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं आदिवासी जनजाति क्षेत्र के हैं वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आए तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अभी अपन इस पे एक पूरा निबंध पढ़ के आ रहे हैं कि पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमें पता है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम हीरा लगा देंगे। अगर ये पूछता है मैग्नीज, तो मैग्नीज के लिए कौन सा है? बालाघाट, बालाघाट प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर पूछता है संगमरमर, संगमरमर कटनी, जबलपुर। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है एक क्वेश्चन से चार पांच छह क्वेश्चन अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, अब पन्ना जिले के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, मझौआ हिनौता खदाने पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त है और प्रदेश का पन्ना जिला जो है हीरा उत्पादन के लिए सर्वप्रमुख है। पन्ना जिले में मझगवा क्रियाशील और कोटरिया खाने सतना तक विस्तृत है, सतना तक भी है, छतरपुर में भी है। पन्ना में हिनौता खान भी महत्वपूर्ण हीरा खान है। इसके अलावा पन्ना में भागेन नदी के ढेर में रामखेरिया नामक स्थान पर हीरा प्राप्त होता है। कुछ जगह रामखेरिया नदी का नाम भी आता है और स्थान का नाम भी है ना, तो वहाँ पर भी हीरे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो खनिजों से दो क्वेश्चन आ गए हैं इसी बार। अगला आता है चंबल नहर सिंचाई परियोजना, है ना, तो नदियाँ और नदियों से संबंधित परियोजनाएँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मध्य प्रदेश के परिदृश्य से, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का क्या कहते हैं, माइका, है ना। तो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये जो नदियाँ हैं ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कारण से इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। अब चूंकि चंबल से पूछा गया है क्वेश्चन, तो चंबल के बारे में पहले बेसिक जानकारी हमको पता होना चाहिए। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी, बिल्कुल इंदौर महू इंदौर से होता है इसका उद्गम। ठीक है, कितनी लंबी है? 965 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, जाके किस में मिलती है? तो ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो यमुना सहायक नदी है। अब हमको अगर बेसिक डिटेल्स पता थी, तो उन्होंने पूछा चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से, तो हमें पता है कि यमुना नदी की सहायक नदी है, तो यमुना बेसिन हम सीधा उत्तर लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ इसमें डिफिकल्टी ये होती है कि कुछ गंगा बेसिन भी मानते हैं इसको, उसका कारण क्या है कि यमुना जी खुद सहायक नदी किसकी है? गंगा की। तो यमुना जी जाके अल्टीमेट मिलेंगी कहाँ में? गंगा जी में, तो गंगा बेसिन भी माना जा सकता है। लेकिन हमें तो प्राइमरी स्तर पर देखना है कि भैया हमारी जो चंबल है वो तो यमुना में जाके मिल रही है, हमें तो यमुना से मतलब, फिर यमुना जाके गंगा में मिल रही है तो वो यमुना बेसिन हो गया गंगा में जाके, तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा? यमुना बेसिन, है ना। और चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है वो कहाँ पर? अपने भिंड मुरैना और इन क्षेत्रों में जो है सिंचाई की व्यवस्था करवाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ, इस पर तीन बांध हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तीन बांध, उनका नाम है गजरा, है ना, तो गजरा में क्या आ जाएगा? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ठीक है, राणा जी कहाँ के हैं? तो राणा जी चित्तौड़ के राणा हैं, तो ये चित्तौड़ में हो गई। जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा, जितने भी इंजीनियरिंग और इसकी तैयारी करने कोटा ही जाते हैं। तीसरा गांधी सागर, तो गांधी सागर हमारे यहाँ पर मंदसौर में है ना, गांधी सागर अभ्यारण्य भी वहीं पर बना हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हमारे और सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, अर्थात चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चूंकि सहायक नदी थी, इस कारण से हमें पता था। वास्तव में चंबल घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर तीन बांध, गांधी सागर मंदसौर में मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर परियोजना बूंदी कोटा बैराज में स्थित है, है ना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, जो कि सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हेतु हुआ है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर के लगभग है। ठीक है, जल विद्युत 386 मेगावाट के लगभग है। यह परियोजना मध्य प्रदेश में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में जानापाव महू से नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है और ये उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है, तो ये हमें बेसिक जानकारी है नदी से पता है। तो हमारी आज नदियाँ भी तैयार हो जाएगी और नदियों संबंधित परियोजनाएं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अभी हम पढ़कर आ रहे हैं गजरा में, गजरा में जो जवाहर थे वो कहाँ गए थे? चंबल नदी पर। तो जवाहर सागर परियोजना और कहाँ पर है? कोटा बैराज जगह पर, या कोटा नामक स्थान पर बनी हुई है। तो नदी कौन सी है हमारी? चंबल नदी। ठीक है, इसी प्रकार हमें नर्मदा जी के प्रमुख बांध याद होने चाहिए। ओंकारेश्वर हो गया, पुनासा हो गया, महेश्वर हो गया, मंडलेश्वर हो गया और सरदार सरोवर हो गया। ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? ये सूरत या जो भी हैं दूसरी परियोजनाएं, उनके बारे में पता होना चाहिए। माही नदी क्या है? आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। धार में एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को
दो बार काटती है ना। तो इस तरह से हमें नदियों के बारे में और भी जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर राणा सागर बांध से 32 किलोमीटर आगे है। चंबल नदी की एक बारहमासी नदी है, इसका उद्गम स्थल जानापाव से होता है, पढ़ लिया हमने। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर परियोजनाएं कोटा बिराज बांध स्थित है। भानपुरा तहसील मंसूर में चंबल नदी पर 1960 में गांधी सागर परियोजना की स्थापना 1960 में की गई थी। हमारी पहली जल विद्युत परियोजना जो है गांधी सागर परियोजना है ना 1960 में, जिसमें 2300 किलोवाट शक्ति के 5 विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए हैं। इस केंद्र की क्षमता 115 मेगावाट है। ठीक है, 115 है गांधी सागर की बता रहे हैं ना ये, ओके हाँ ये गांधी सागर की बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में 50% अनुपात में प्राप्त करते हैं। जवाहर सागर बांध का निर्माण 1972 में तृतीय चरण में हुआ था। तो ये तीन इसमें बांध जो है उसकी श्रृंखलाएँ बनाई गई है विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जल मृदा संरक्षण के लिए। ठीक है, अब इनकी क्षमताएँ भी याद कर लेना है ना, 115, 172 और लगभग 100 ऐसी करके हैं इनकी, 99 है। हाँ, तो इस तरह की जो है इनकी तीनों की हैं अलग अलग, वो याद कर लेना। अब इनमें 50-50 है, 50% MP का है और 50% जो है वो राजस्थान का है, तो दोनों की 50-50% हो जाती है। ठीक है, हाँ अगला आता है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल तो क्या है, सोयाबीन। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, सोया राज्य, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। चूंकि ऑप्शन में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा नहीं है, फिर क्या करें, चूंकि मध्य प्रदेश 7 बार से क्या कर रहा है, कृषि कर्मण अवार्ड ले रहा है, किस उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, और गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने अभी हरियाणा और पंजाब दोनों को पछाड़ दिया है। इस कारण से अब मध्य प्रदेश को क्या बोल रहे हैं, गेहूं राज्य भी बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं। इसके अलावा गेहूं की जो प्रसिद्ध वेराइटियाँ हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। अभी सीहोर में बहुत अच्छी वेराइटी है सरबती गेहूं जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। चूँकि इसका जो कलर है वो सोने की तरह दिखाई देता है, इस कारण से भी ये फेमस है। सीहोर जिले के आसपास जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है और विदेशों तक इसका जो निर्यात है वो किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो गेहूं जो है, गेहूं उत्पादन जो हमारी प्रमुख फसल बन गई है। अब अच्छा, इस परिदृश्य में देखा जाए कि गेहूं काई की फसल है, रबी की फसल है ना। अगर सोयाबीन की बात होती, सोयाबीन काई की खरीफ की फसल है, तो हमें थोड़ा सा इनका भी आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी खरीफ की फसलें, कौन सी रबी की फसलें। ठीक है, तो गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मध्य प्रदेश में गेहूं रबी की फसलों में सबसे अधिक क्षेत्र में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रादेशिक विशरण असमान है। राज्य में मालवा में गेहूं, अच्छा मालवा को गेहूं की टोकरी भी बोलते हैं ना, तो मालवा अपने यहाँ आ जाएगा, प्रमुख क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं उत्पादन को हुआ है। अभी तक सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा मध्य प्रदेश, गेहूं के उत्पादन में भी एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मध्य प्रदेश अब उच्च कोटि के गेहूं है ना, नई नई वेराइटियाँ के अधिकतम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गेहूँ उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर आ चुके हैं। ठीक है, अगला आता है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन से पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है ना, मतलब कोच को दिया जाता है, जो कोच हैं उनको कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। अब पहला ऑप्शन द्रोणाचार्य सबसे अच्छा ऑप्शन भी वही लगता है, तो व्यक्ति द्रोणाचार्य लगा लेगा, लेकिन द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षक हैं उनको दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा और दो पुरस्कार जो विक्रम भी हैं ये भी दिया जाता है और एकलव्य भी है। तो विक्रम जो होता है वो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है और एकलव्य जो है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, मामा जी ने इनकी जो राशियाँ थी वो दोगुनी कर दी हैं। पहले इसमें विक्रम में 1,00,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब कितने दिए जाते हैं, 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार में जो है पहले 50,000 दिए जाते थे, अब 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार में 1,00,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, अब पुरस्कारों की बात हो रही है तो हमको इनके सन भी याद होना चाहिए, कौन सा पुरस्कार कब चालू किया। जैसे विक्रम सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, एकलव जूनियर को दिया जाता है, 21 साल से कम वालों को है ना, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 3 प्रतियोगिताओं में लगातार भारत मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व किया है। इसी प्रकार विश्वामित्र पुरस्कार की भी ये है कि 2 या 3 खिलाड़ी हैं जिनको इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया है, उनके आधार पर दिया जाता है। एक अन्य पुरस्कार जो है जिसको बोलते हैं प्रभास जोशी पुरस्कार, मलखम के लिए दिया जाता है। प्रभास जोशी पुरस्कार चालू किया गया है 2013 से और ये काई के लिए दिया जाता है, मलखम के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये याद होना चाहिए। विश्वामित्र पुरस्कार 1996 से लगभग दिए जा रहे हैं, या फिर 1994 भी मिलता है कहीं पर, तो ये थोड़ा सा आपको इनके सन और वो याद होने चाहिए।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों में विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार शामिल है। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनमें से कम दो खिलाड़ियों को, है ना, दो खिलाड़ियों को पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत या 6 कांस्य पदक जीते हैं। जबकि एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र कितनी 19 वर्ष से कम हो, 19 या 21 वर्ष है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, शायद 19 ही है, है ना, 19 वर्ष से कम है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार या 2 वर्षों में तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो। तथा विक्रम पुरस्कार इसी प्रकार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जो कि सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पुरस्कार हैं। इस वर्ष किनको दिया गया, उनमें से जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके हमको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अगला आता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर है। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एमपी तो हर जगह पहुंच गया, एमपी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से हर उसमें आ रहा है, कॉन्सेप्ट में आ रहा है। अब ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट में पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी। तो लगभग हमें जितनी भी एकेडमी होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए कौन सी एकेडमी कहाँ पर है, है ना। चूंकि तीरंदाजी एकेडमी तो जो है वो जबलपुर में है तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एकेडमियाँ जो है वो भोपाल में है, एथलेटिक्स है, मार्शल आर्ट है, स्विमिंग एकेडमी है या बैडमिंटन एकेडमी है, ये यहाँ पर है। इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है, अकेडमी की बात करें तो क्रिकेट अकेडमी दोनों है शिवपुरी में, है ना। बैडमिंटन एसोसिएशन और टेनिस एसोसिएशन जो एसोसिएशन है वो जबलपुर में है, लेकिन अकेडमी के नाम पर एकमात्र अकेडमी जो तीरंदाजी अकेडमी है वो है जबलपुर में। भोपाल में मार्शल आर्ट्स की भी है, स्विमिंग की भी है, वाटर स्पोर्ट्स की है, इसके अलावा शूटिंग की भी है, है ना। तो जितनी भी अकेडमियाँ हैं या जितनी भी अकादमियाँ हैं वो हमको कम से कम याद होनी चाहिए। एक पेज की है, लगभग 10 या 12 है। वाटर स्पोर्ट्स की होशंगाबाद में है, क्रिकेट की शिवपुरी में है, है ना, ग्वालियर में है, बैडमिंटन की है। तो इस तरह से हमको जो जो अकादमियाँ हैं वो लगभग याद होनी चाहिए, पूरा चार्ट बना के याद कर सकते हैं। तीरंदाजी अकेडमी की शुरुआत 2013 में कहाँ पर हुई थी, जबलपुर में हुई थी, ठीक है। तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करती है। अकादमी के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल की बुनियादी ढांचे और अच्छी तरह से सुसज्जित छात्रावासों से लैस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। अकादमी के खिलाड़ी विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई कप और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतते हैं, है ना। तो इस तरह की सुविधाएं दी जाती है ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं प्रदान करने के लिए अकादमी का निर्माण किया गया है। अगला आता है भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले भोपाल राज्य के मूल संस्थापक, अब चूंकि मूल संस्थापक तो हैं कौन, राजा भोज, परमार वंश के जो राजा भोज हैं उन्होंने भोपाल की स्थापना करी थी। भोपाल नाम उस समय था, भोपाल नाम से जो है भोपाल की स्थापना उस समय की गई थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में या जिसको बोलते हैं आधुनिक भोपाल, आधुनिक भोपाल की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी, तो उनका नाम है दोस्त मोहम्मद खान, है ना। अब ये दोस्त मोहम्मद खान कौन थे, तो दोस्त मोहम्मद खान जो थे सेनापति थे औरंगजेब के, है ना, जो मुगल अंतिम शासक था औरंगजेब उसके सेनापति थे। अब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर है, इस दौरान जो दोस्त मोहम्मद खान है वो भोपाल राज्य पर जो है अपना कब्जा करते हैं और लगभग 1722 में जो है वहाँ पर साम्राज्य अपना स्थापित करते हैं, एक मुगल साम्राज्य कह सकते हैं जो भोपाल में चालू होता है। और फिर वहाँ से जो बेगम है, बेगम शासनकाल चालू हो जाता है, लगभग 200 वर्षों तक फिर इनका शासन रहता है। और फिर जब मध्य प्रदेश जब आज़ाद होता है या स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद इसको वापस मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है, भोपाल गढ़ी को या भोपाल साम्राज्य को, ठीक है। मूल रूप से भोपाल नगर की स्थापना भोपाल के नाम से मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने करी थी, ठीक है। लेकिन परमारों की 8वीं-13वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। वर्तमान भोपाल के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद खान ने लगभग 1722 में भोपाल को अपनी राजधानी बनाया और अपने वंशजों ने लगातार 200 वर्षों तक शासन किया, है ना। तो इसमें जो बेगम हैं उनके शासन बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसमें भोपाल रियासत के बारे में बताया गया है, तो उस रियासत में फिर हमें उनकी जो बेगम हैं उनके कार्य हैं उनके कार्यकाल जो है वो हमको पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन आता है राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजा वीर सिंह देव पहले कौन थे, तो ये बुंदेला शासक थे, बुंदेलखंड में बुंदेला शासक थे। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, अब इसमें दो दिया गया है, बांधवगढ़ गहोरा, नरोखी गढ़ी और गढ़मंडला, है ना। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो गहोरा थी,
और गहोरा की राजधानी को बाद में इन्होंने फिर कहाँ पर बांधवगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। अब चूंकि उसने प्रारंभिक और बाद का नहीं पूछा है लेकिन राजधानी पूछा है तो पहली राजधानी ही बताएंगे हम, तो इसका आंसर आएगा गहोरा। तो गहोरा में वीर सिंह देव की राजधानी थी। वीर सिंह देव राजा बुंदेला शासक थे, प्रतापी शासक थे, और इन्होंने गहोरा राजधानी स्थापित करी थी, कर ली थी। ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला बुंदेलखंड के प्रतापी शासक थे। वे राजा मधुकर शाह के सुपुत्र थे, मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र थे। माता कुंवर गणेशी बाई को भगवान राम के अनन्य भक्त थी। इन्होंने बहुत से किले व तालाबों का निर्माण कराया और अपने राज्यकाल में कराया था। इनमें सबसे प्रमुख है झांसी का किला, इन्होंने बनवाया है। एक दतिया का किला बनवाया है, दतिया में वीर सिंह महल बनवाया है, लक्ष्मी महल बनवाया है, लक्ष्मी तालाब आदि का निर्माण कराया है। 1562 तक बघेलखंड की राजधानी चित्रकूट क्षेत्र के इलाहाबाद करवी मार्ग पर स्थित गहोरा में थी, है ना। तो प्रारंभिक राजधानी जो है इनकी गहोरा में थी। बघेल, यहाँ बघेल राजा रामचंद थे जिन्होंने 1562 में राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित करी थी। तो ये 1562 के लगभग ये राजधानी कहाँ पर बांधवगढ़ में स्थानांतरित हो गई थी और बांधवगढ़ किले का शासन करना शुरू कर दिया था। तो प्रारंभिक राजधानी हमें पता है गहोरा थी और राजा वीर सिंह देव ने करी थी स्थापना। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मलिक काफूर, शीतल देव, एन मुल्क मुल्तानी और अमीर खुसरो। तो देखिए, मलिक काफूर तो कौन था, यह अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। एन उन मुल्क कौन था, यह भी अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। शीतल देव को हम जानते नहीं, अमीर खुसरो कौन था, लेखक था, है ना, लेखक या जिसको बोलते हैं इतिहासकार। अब चूंकि कहने की या संबोधन करने की बातें आती है तो अधिकतर या तो इतिहासकार है या कोई प्रसिद्ध लेखक है या प्रसिद्ध कवि है, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को बताते हैं। तो इसका आंसर आएगा अमीर खुसरो। चूंकि अमीर खुसरो कौन था, तोता हिंद इनको बोला जाता था। क्या बोलते थे? तोता हिंद, है ना। और इन्होंने कम से कम 8 शासकों जो थे, 8 राजाओं थे, 8 शासक थे, उनका शासनकाल इन्होंने देखा हुआ था। इनको इतिहास की बहुत अच्छी समझ थी, इन्होंने बहुत जानकारियाँ दी हैं प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की, सल्तनत काल की। अब हुआ यह था कि मांडू विजय के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, खिलजी साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति एउन मिल्को को भेजा था। एउन मिल्को जो उनका सेनापति था, उनको मालवा की विजय के लिए भेजा था। उन्होंने जैसे ही मालवा की विजय करी, अब चूंकि मालवा की विजय का मतलब यह था कि भैया आपके पास धार, उज्जैन और ये वाला इलाका जो है आ गया है, है ना? बाद में फिर चंदेरी, चेदी और ये भी राजधानियाँ जो है, ये क्षेत्र भी जीत लिए जाते थे। अब धार और उज्जैन आपने जीत लिया है, मध्य प्रदेश का लगभग दक्षिणी पार्ट जो है वो आपने जीत लिया है, तो उसके बाद फिर आप दक्षिण में जा सकते हैं। इस कारण से इसको कहा गया था मांडू विजय जो है दक्षिण विजय की कुंजी, है ना। इससे संबंधित पढ़ लेते हैं हम। मालवा का शासक महादेव था। सबसे पहले मालवा का जो शासक महादेव था, जो खिलजी की पराधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, कोका उसका प्रधान सेनापति था। अलाउद्दीन ने 10,000 सैनिकों के साथ आयन मुल्क, है ना, आयन मुल्क को भेजा था आक्रमण करने के लिए। कोका युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई है और मालवा जीतकर यह मुल्क मांडू की ओर बढ़ गया। ठीक है, मतलब मांडू में अब इनकी, इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। खुसरो के अनुसार मांडू दक्षिण विजय की कुंजी थी, यहाँ उनका अधिकार हो गया था। इसके पश्चात उज्जैन, धार, चंदेरी पर भी उनका अधिकार हो गया था। उसे मांडू और मालवा का सूबेदार बनाया गया था एउन मुल्क को। अबुल हसन यामाउद्दीन अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा हुआ था, है ना। तो जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने ही ये बात कही थी कि जो मांडू विजय है वो दक्षिण के साम्राज्य की कुंजी। ठीक है, अगला आता है भीम बेटिका को किसने खोजा। तो भीम बेटिका एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब इनके खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो भीम बेटिका है उसकी खोज किसने करी थी? विष्णुधर वाकोंकर ने करी थी। लगभग 1956-57 में इसकी खोज की गई थी, 56 से 57 या 58 में इसकी खोज की गई थी। इनमें से और दो प्रसिद्ध, एक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, एचडी सांकलिया जी। इन्होंने किसकी खोज करी थी? ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन्होंने कसरावद में जो कसरावद के जो पुरातात्विक स्थल हैं या जो ताम्रपाषाणकालीन शृंखलाएँ हैं उनको एचडी सांकलिया जी ने खोजा था, और विष्णुधर वाकणकर ने रायसेन में जो भीम बेटिका है उसको खोजा था। पुरातात्विक स्थल मिले हैं, गुफाएं मिली हैं यहाँ पर, और बौद्ध चित्र वगैरह इस तरह की चीज़ें मिली हैं। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर भीम बेटिका स्थित है। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। यह चित्र सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल भीम बेटिका के शैलाश्रय तथा उनमें उपलब्ध सेल चित्रों की खोज का श्रेय पुरातात्विक शास्त्री श्री विष्णु
श्रीधर वाकणकर को जाता है। इनकी इस स्थल की खोज लगभग 1957-58 में की गई थी। यहाँ आखेड़ युद्ध पक्षी धार्मिक और व्यक्ति के चित्रों का अंकन था। 2003 में यूनेस्को को इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है ना। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, गुफाएं हैं और गुफाओं में जो पत्थर हैं उनसे चित्र बनाए गए हैं, तो उन चित्रों में आखेड़ के युद्ध के पक्षी के धार्मिक और व्यक्तियों के चित्र बनाए गए हैं। इस आधार पर इनकी खोज की गई है रेडियो कार्बन टेक्निक से। तो बताया गया कि पुरातात्विक बहुत पुराने स्थल जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, है ना, जो संख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर है भागो बेगा, है ना। इसकी जो ट्रिक है वो है भागो बेगा। सबसे ज्यादा है भील, फिर है गोंड और फिर है बेगा, है ना। तो ये तीन सबसे ज्यादा संख्या में जनजातियां हैं, उस आधार पर भागो बेगा, है ना। तो ये बस इस तरह की टिक है, तो इस हिसाब से हम बता देंगे भील सबसे ज्यादा जनजाति है। लगभग जो टोटल जनजाति प्रतिशत है उसमें 39% के लगभग भील है ना। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में अगर हम जनजातियों की बात करें तो लगभग कितनी है, 21% के लगभग है, है ना। तो 21% जो है मध्य प्रदेश की कुल जनजातियां। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या में लगभग 21% जनजातियां हैं, और इन जनजातियों में लगभग 39% कौन सी है, भील जनजाति है, जो कि हमने सर्वाधिक है क्षेत्रफल के हिसाब से गोंड सर्वाधिक एरिया पर है ना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कुछ जनजातीय जनसंख्या में इनका योगदान लगभग 39% है ना। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या झाबुआ, अलीराजपुर और इन जिलों में पाई जाती है। इसके बाद धार, बड़वानी, खरगोन जिलों में इनका मुख्य स्थान आता है। भीलों का प्रमुख त्यौहार भगोरिया है ना। भगोरिया हाट जो है वो बड़वानी और झाबुआ, कुक्षी, मनावर इधर प्रसिद्ध है। 7 दिवसीय होली के अवसर पर मनाया जाता है। 3 स्तर पर भगोरिया, गुलालिया और उजाड़िया है ना त्यौहार होता है। जनजातियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो उनके संख्या किस तरह से है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन सबसे ज़्यादा शिक्षित है। अब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे पिछड़ी जनजातियाँ, तो हमारे यहाँ पिछड़ी जनजातियाँ 3 हैं, कौन कौन सी हैं। हाँ, तो उसके लिए है कि भाई शहर जाने वाले का बैग भारी होता है। शहर जाने वाले का क्या भारी होता है, बैग क्या होता है, भारी होता है। तो इससे क्या आ जाएगी, शहरिया। दूसरी क्या हो जाएगी, बेगा, और तीसरी हो जाएगी भारिया। भारी बेग है तो भारिया। तो ये 3 जनजातियां जो है अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, भारत के किस राज्य में सागौन के क्षेत्रफल का सर्वाधिक है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो एमपी बना रहे हैं, एमपी का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उनकी अधिकतर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो एमपी का ही क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा उत्तर लगा दो एमपी का, क्योंकि हम तो एमपी के हैं तो हम एमपी लगा सकते हैं। अब अगर देखा जाए टेक्निकली भी कि किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो भी मध्य प्रदेश है, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था मध्य प्रदेश में लगभग 17.8% जो वन है वो सागौन के वन पाए जाते हैं, है ना। अब चूंकि अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों में हम अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं कुल वनों के क्षेत्रफल में, है ना। लगभग 24.5% जो वन है वो मध्य प्रदेश के कुल एरिया पर, इतने लगभग वन है, है ना। ये वन भी सर्वाधिक है। अब इन वनों में सर्वाधिक क्या है, सागौन है 17.8%। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा सागौन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, जबकि प्रतिशत में तीसरा ऐसा स्थान आता है ना। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भी हमें वनों का पता होना चाहिए। जो वन रिपोर्ट है हर 2 वर्ष में जारी होती है, तो वन रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है उसके आंकड़े हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं, तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष आते हैं। साल के लगभग 16.54% है ना। सागौन के 17.8 अपन ने पढ़ी लिया है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या माना था, 20%, है ना, आयोग ने। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुरता, विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन मिश्रित साल के वन भी हैं। मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट में साल के वन है। मंडला, डिंडोरी, शहडोल और बालाघाट इनमें साल के वन है, जबकि चंबल क्षेत्र, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। और ये क्षेत्रफल जो है वो चूंकि शुष्क क्षेत्रफल है, इसलिए इस एरिया में जो कटीले और झाड़ीदार जो है वृक्ष पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं, से क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन पाया जाता है। सागौन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्या है, बोरी की घाटी, कहाँ पर है, होशंगाबाद में, है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर वो लगता है अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर बोरी की घाटी है और वहाँ पर सागौन के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए आज ही हमने भूरीबाई की बात करी है, पद्मश्री
क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जिसको मिलता है, जिस वर्ष मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूरीबाई एक प्रसिद्ध चित्रकला के लिए, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अभी ये जनजातीय जो संग्रहालय हमारा भोपाल में, वहाँ पर कार्यरत है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाती हैं, है ना। तो ये जनजातीय चित्रकारी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरीबाई प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकलाकार है, ठीक है। उनके योगदान के चलते मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया है तथा 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। भूरीबाई भोपाल में आदिवासी लोक कला, आदिवासी में कलाकार के तौर पर कार्यशील हैं। इन्होंने मिट्टी की दीवारों से लेकर विशाल कैनवास तथा कागज पर लोक कला को हस्तांतरित करने का काम किया है, है ना। जो लोक चित्रकला है जो बहुत फेमस है, चूँकि जो अलीराजपुर और झाबुआ की बेल्ट है, वहाँ पर घरों की दीवारों पर भी इस तरह के जो चित्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, शादी समारोह में भी बनाए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है केला सत्यादि का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। केला सत्यादि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व इसलिए है क्योंकि इनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता एकमात्र व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अब चूंकि केला सत्यादि हुए क्यों फेमस, तो इन्होंने जो है पोलियो अभियान जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, जो पोलियो अभियान में पोलियो की दवाई जो पिलाई जाती है उसके लिए, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। अब ये जिला जो है इनका जन्म जो है ये विदिशा जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो अब केला सत्यार्थी आया, इसी तरह और कोई व्यक्तित्व आ सकता है, तो एक जो चैप्टर आता है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उस चैप्टर को भी हमें पढ़ना है कि कोई व्यक्ति कहाँ से है, किस जिले का है और किस क्षेत्र में उसने प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। केला सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। अब ये विदिशा जिले से पूछ रहे हैं। केला सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, है ना, एक बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, जिसके बाद विश्व भर के 144 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। उनके कार्यों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों और पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में वर्ष 2014 में सबसे इंपॉर्टेंट 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी है, जो उन्हें पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई कौन है, सबसे कम उम्र की व्यक्ति महिला है जिन पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था शिक्षा के लिए, लेकिन इनको भी नोबेल पुरस्कार उसी समय दिया गया था, तो उनके साथ इनको सम्मानित किया गया है। तो एक इंटरनेशनल क्वेश्चन भी हो गया और एक अपना इंडियन क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रीवा में, बिल्कुल सही। आपको पता है कि रीवा की जो गुड़ तहसील है वहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यहाँ से क्या होता है कि एक तो दिल्ली मेट्रो को भी जो बिजली की सप्लाई है वो की जा रही है, कहाँ पर, दिल्ली मेट्रो को। अब इसका जो उद्घाटन है वो 10 जुलाई 2020 को श्री मोदी जी ने, है ना, इसका ऑनलाइन जो है उसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ 750-250 की 3 यूनिट लगाई गई हैं, 3 यूनिट जो है वो सोलर पावर प्लांट के लिए लगाई गई हैं। और वर्तमान में चूंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा काम किया जा रहा है और मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कर्क रेखा जो है हमारे बीचों बीच से गई है, तो हमें बहुत लगभग 200 से ज़्यादा दिनों का जो है सूर्य का वो मिल जाता है, 300 दिनों के लगभग, तो कहीं ना कहीं हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आंसर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को, ठीक है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। 750 मेगावाट की क्षमता वाला रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में स्थित है। 590 एकड़ में फैली हुई है, ये फैला हुआ एक परिचालन सोलर पार्क है। परियोजना के कार्यान्वयन में एजेंसी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एक कंपनी तो ये है, और मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड दो कंपनियां हैं, तीसरा सोल ऊर्जा निगम तीन ये का एक संयुक्त उद्यम है। रीवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट भारत का पहला सौर संयंत्र है जो सामान्य ग्रिड ऊर्जा के बराबर है। यह भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्रों में से एक है। तो भारत के जो सबसे बड़े सौर संयंत्र हैं उनमें से एक है, रीवा की गुड़ तहसील में है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्तमान में चूंकि जो सौर ऊर्जा है वो प्रचलन में है, इसलिए ये और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश में एक सोलर गांधी के नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, नाम पता है क्या आपको, ये है, इनका नाम है चेतन सोलंकी, ठीक है, चेतन सोलंकी इनका नाम है, इनको सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने PhD वगैरह की है सोलर उसमें, और जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा स्वराज यात्रा जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, इस योजना को जो है लीड कर रहे हैं चेतन सोलंकी जी, है ना, और इनको मध्य प्रदेश का सोलर गांधी भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो
हमारी परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है उनका प्रमोट करना है, उनका उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।